मान लीजिए कितनी तरह है कोई परिंदा है ये ऐसे यहाँ आकर इस पर उसका ऐसा पंख पड़ जाएगा ऐसा 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 पंख ऐसा आड़ जाएगा फ्रेंड्स, मैं दुलचान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DS ब्लॉग। तो आज की वीडियो में हम दिखाएंगे आपको एक तीतर पकड़ने का एक नया और देसी तरीका। तो आज की वीडियो में आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम एक बहुत ही डिफरेंट तरीका लेके आए हैं तीतर पकड़ने के लिए। हमने बहुत सारे तरीके हमारे पिछली वीडियो में दिखाए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देता हूँ, वहाँ पर जाके आप देखिए। और आज की वीडियो तो धमाल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम जा रहे हैं अपना जाला लगाने के लिए सब सामान लेकर, ये मेरे भाई हैं चांद भाई। तो हर बार की तरह मतलब मैंने इस पर भी वीडियो बनाया कि हम जाला मतलब कहाँ लगा सकते हैं क्या नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक देता हूँ, आप वहाँ पर जाके देखिए। तो अब हम जाला लगाने वाले हैं ये तुवर में और टाइम हो रहा है अभी कितने, लगभग 4 बजने आ रहे हैं। तो चलिए जाकर आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको ऐसे इतनी बड़ी लकड़ी एक लगेगी जो स्ट्रेचेबल होनी चाहिए। हमने नीम की लकड़ी ली है और ये लकड़ी को हम ऐसे गड्ढा करके, हमने गड्ढा पहले से किया है, आपको ऐसे गड्ढा करना है अच्छा सा, यहाँ पर गाड़ लेना है वो दिखाऊँगा मैं। और ऐसे इतनी देखिए, आप इतनी देख सकते हैं, इतनी आपको एक 4-5 लकड़ियाँ ले लेनी है। फिर 2 लकड़ियाँ ऐसी लेनी है जो ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हमने एक गड्ढे में तो ये लकड़ी को गाड़ लिया है और उसके साथ साथ ये लकड़ी जो है उसे सपोर्ट के लिए लगाई है, इसे ये लकड़ी पैक बैठे इसलिए इसे भी गाड़ा है हमने, तो ये ऐसी झुकनी चाहिए हमें। गाइस, यहाँ से हम ऐसी ग्रिप बना देंगे क्योंकि हमारी जो रस्सी जो है यानी हमारा जो धागा है वो यहाँ से एकदम मजबूती से बैठे, जब तीतर वगैरह जब फंसे तो वो ना जाए। और बताना भूल गए कि हमें एक धागा भी लगेगा। हाँ, धागा की जरूरत है, इतना इतना लगेगा धागा, एक 5 फीट देखिए, ऐसे ऐसे धागा आप ले सकते हैं, ऐसा धागा। तो ये धागे को हम यहाँ पे बनेंगे इसके एकदम टोकदार छरे पे, ऐसे बांधना है आपको। मेरे इंस्टाग्राम आईडी बाजू में दिख रही है, उसको भी जाके फॉलो करो, वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं करता रहता हूँ इंस्टा पे मेरे। आपको ऐसे सामने से लेकर भी एक चाड़ी गाँट बांधनी है, हमने ऐसे बांध दिया है इस तरह से। तो आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ, लकड़ी मतलब ये देखिए आप देख सकते हैं ऐसे फंस जाए, एक ऐसी लकड़ी लेनी है यहाँ पे और एक ऐसी लकड़ी लेनी है हमें छोटी, इतनी इतनी सी छोटी हमें लकड़ी लेनी है, देखिए मेरी उंगली इतनी है, 3 इंच। ये लेकर हमें कहाँ बांधनी है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको यह लकड़ी जो है ये फंसा देनी है इसमें, मजबूत लेना चाहिए। तो जो हमारी लकड़ी है ना उससे करीब 10 सेंटीमीटर दूरी पे छोटी लकड़ी धागे पे बांधनी है, इस तरह से अच्छी तरीके से बांधनी है। तो हमने इसे बांध दिया है यहाँ पे, हम इस तरह से ये देखिए आप, ये छोड़ो, ये हमने यहाँ पे लकड़ी बांध दी है। तो ये लकड़ी इस तरह से इसके अंदर ही हम यहाँ पे अटका देंगे। जो आगे की रस्सी जो बची हुई है यहाँ पे, हमने आपको दिखाया कि छोटी लकड़ी हमने बंधी है 10 सेंटीमीटर दूर ये लकड़ी से। तो ये आगे का जो ये मुँह होगा इसका, तो हमें यहाँ पर फंदा बना लेना है। आपको फंदा तो बन गया है, लेकिन थोड़ा मैं अपना इंट्रो देता हूँ, मतलब मैं जो हूँ सोशल साइंस का स्टूडेंट हूँ और उसके साथ साथ मैं जो एक एफिलिएट प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया है और उस एफिलिएट प्रोग्राम से मैं अच्छी खासी अर्निंग कर लेता हूँ, मतलब एक वीक की कुछ 10-12 हज़ार तक मतलब हो जाती है सिर्फ 2-3 घंटा इंस्टा फेसबुक पे काम करके। तो अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हैं दिन का 1.5 से 5 हज़ार रुपये तक, या फिर हफ्ते का 10-15-20 हज़ार तक कमाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मतलब मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पे आप मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिए कि हम भी करना चाहते हैं, तो मैं आपको सब बता दूँगा। तो ये हमें झुका लेना है ऐसे, झुकाने के बाद हमें देखना है कि इसका जो मुँह है लकड़ी का कहाँ पे आता है, जहाँ पे आएगा उसके सीधा ऐसे बराबरी से, ये जो
मैंने आपको दिखाई थी जैसे अपोजिट ग्रिप वाली लकड़ियाँ हैं दो, तो ऐसी गार्डनिंग होगी इधर उधर से। एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें गार्ड लेनी है, ज़्यादा नहीं। उधर 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 उसका जो होगा ये ग्रिप, ये लकड़ी की अपोजिट होगी इधर से। यानी आप देख पा रहे हैं कि तरह से दिखा रहे हैं यार, ज़्यादा करूँगी मैं। तो फिलहाल तो हम देखते हैं कि अब फंदा कैसे लगाना है। ओके, तो ये फंदा बना दिया मैंने। आगे ये देख सकते हैं लकड़ी, यहाँ पे फंदा आ गया। लकड़ी के इतने बाजू में बना है, एकदम सेंटर में नहीं बनना है हमें। तो ये लकड़ी लेनी है और इसके बाहर से हमें ऐसे डालना है। देख सकते हैं यहाँ पे, अरे ये भी काम नहीं कर रहा। रुकिए, थोड़ी गलती हो रही है मुझसे, बहुत दिन हो गए ये जाना फंदा बना के। अरे समझ नहीं आ रहा मेरे को कैसे स्टिक बनाना क्या है, किधर से डाल दूं। और ओके गाइस, हमें समझ नहीं आ रहा कट करने का। डालिंग अरे तू ले, अरे कैसे लिए तूने, नहीं सर कैसे रख ले। डबल आड़ नहीं मारने, आड़ मारे मुझे बोलती हूँ क्यों करे किधर से आए। भौतिक कुश्ती ऐसा है, ऐसा है कुश्ती है, डबल ले डबल काटे दो काटे दो काटे दो काटे बोलते भाई, दो काटे दो काटे बोलते, इधर से उसे लगना पड़ेगा काटे काटे। कब गिरेंगे गिरते ये काटे गिरेंगे सर, रुक बोल ये काटे गिरेंगे, रुक 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 रक्त भी पों। इससे ज़्यादा चित्र बजाना है मेरे, इससे ज़्यादा। रुक 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 आप रुक आप रुक आप रुक आप रुक रुक आप रुक। ये जो लंबी काड़ी है क्या सुन तो, वीडियो पॉज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसे लगाया है। तो देखिए गाइस, आप पकड़ पकड़ उसको ऊपर से पकड़ ऊपर से पकड़। तो ये इसके बाद लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं यहाँ पर हम लगाएंगे, इसे बिछा देंगे, इसे बिछा देंगे हम लकड़ियाँ। यहाँ पर आपको जौहरी डाल ली, देख सकते हैं यहाँ हमने बिछाया है। आप ट्रायल दिखाते हैं आपको, तो थोड़ा दूर रहकर ट्रायल कीजिए इसका। मान लीजिए कि ये तीतर है, ये कोई परिंदा है, ये ऐसे ही वहाँ आकर इस पर उसका ऐसा पोम पड़ जाएगा, ऐसा ऐसा वैसा पोम ऐसा ऐसा अड़क जाएगा अंदर में। देखिए रुकिए आपको दिखा देते किस तरह से अड़की है लकड़ी है। देखिए लकड़ी अड़की है अंदर, ये अटक जाएगा ऐसा, तीतर अटक जाएगा इस तरह, यहाँ से वो कहीं भाग भी नहीं पाएगा यहाँ पे, इसकी वजह से अटक जाएगा। इस यहाँ फिर से डबल उसी ग्रिप बैठेंगी, यहाँ से वो कहीं नहीं जा पाएगा। ठीक है, लकड़ी ऐसे अटक गई है तो तीतर भी ऐसे अटक जाएगा, तीतर भी अटक जाएगा। चलिए फटाफट से डबल से लगा देते हैं और मिलते हैं तीतर पकड़ने के बाद।